चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी। इससे पहले बुधवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मनोहर सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में किए गए फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश को लाने के लिए आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। जो पंचायत चुनाव हम चाहते हैं जल्दी जल्दी चुनाव हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भाई इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, उसके द्वारा एक प्रकार से बताया जाना चाहिए कि इतना डाटा इतनी उसकी परसेंटेज करके हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना, हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना, तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने उस हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाकर बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल SC की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें BCA की जुड़ गई, तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। SC की क्योंकि पहले से तय है तो जो BC का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास BCA का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन चुनाव में ही पिछड़ा वर्ग ए के लिए पहली बार आरक्षण दिया जाएगा। अब किसी गांव में मात्र 2% भी पिछड़ा वर्ग ए की आबादी है तो कम से कम एक पंचायत सदस्य जरूर बनेगा। BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर जरूर होगा। 2% में से एक बनता नहीं, लेकिन एक की हमने उसमें रखी है कि 2% भी पॉपुलेशन है या इससे आसपास है, 200 से थोड़ा एक्सीड भी करती है तो एक मेंबर जरूर होगा, और अगर ज्यादा मेंबर बनते हैं तो फिर ज्यादा। वहीं CM मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछड़ा वर्ग ने सैंपल सर्वे करवाया है और रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार की बैठक में मंजूरी दे दी और आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। CM ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद अगले कुछ दिनों में आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनाव करवाने के लिए राज्य के चुनाव आयोग को सरकार भेजेगी। ऐसे ही पंचायत समिति के सदस्य, पहले सरपंच उस ब्लॉक में जितने सरपंच हैं उनमें से 8% और ये BCA वर्ग के होंगे, यानी अगर 50 सरपंच हैं किसी ब्लॉक में तो 4 सरपंच BCA के होंगे, और इसमें BCA की आबादी के जो गांव हैं हाईएस्ट उससे 3 गुना, यानी 4 अगर रखने हैं तो 12 गांव ऊपर वाले पंचायतें वो छांट करके उसमें उसका लॉटरी से रोटेशन होगा। 12 में से 4 सिलेक्ट करेंगे, अगली बार ये 4 छोड़ देंगे, बाकी 8 में से 4, और दूसरी बार वो 4 जोड़ने के बाद जो बच गए 4 वो तीसरे इलेक्शन में BCA के होंगे। तो BCA का हाईएस्ट पॉपुलेशन के जो गांव है सरपंच का रोटेशन उसमें होता रहेगा। पंचायत समिति में जितने भी उस ब्लॉक की
आबादी भी सी ए की है उस परसेंटेज के 50% के बराबर और उसके मेंबर वो चुने जाएंगे और उनको भी रोटेशन से और रिजर्वेशन तय होंगे। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी मिली। पिछड़ा वर्ग एक को पहली बार मिलेगा आरक्षण। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को मंजूरी। पंचायती राज अध्यादेश 2022 कहलाएगा नया अध्यादेश। ग्राम पंचायत में अनुशंसित आरक्षण को मंत्रिमंडल की मंजूरी। पंचायती राज अधिनियम में किए गए बदलाव। 50% से अधिक नहीं होगा आरक्षण। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे पंच के पद। चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षित होगा वार्ड। हर पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित। सरपंच के पदों का 8% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। वहीं हर एक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाए। इसी तरह एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किया जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।